सीमा, तुम्हें कैसे पता चला? दीदी, हम ना गुंजन के कमरे में सफाई करने गए थे, तो वो बाजार में आती है ना वो टेस्ट किट, वो मिल गई हमें, तब पता चला। लो, हम ही बड़बड़ किए जा रहे। तुम ही बताओ ना सबको, होने वाली मम्मी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेटा, अब तुम्हें ना आटे दाल के भाव का पता चलेगा। लेकिन बहुत दिनों के बाद आज दिल बाग बाग हो गया। भाई, मयंक ने तो हमें दादा और आपको दादाजी बना दिया है। भाभी, अब हम सिर्फ प्रभु गर्ग नहीं, दादाजी कहलाएंगे। दीदी, अब आप बताइए कि आप बड़ी दादी कहलाना पसंद करेंगी या फिर नानी माँ? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुंजन की ये खुशखबरी सुनकर हमारी तो बोलती ही बंद हो गई। छोटी सी बच्ची माँ बनने वाली है। क्या बात है गुंजन बेटा? हाँ गुंजन, क्या हुआ? पता नहीं, हम जानते हैं। तुम थोड़ी घबराई हुई सी हो ना, क्योंकि ये सब कुछ इतने अचानक हो गया। ओहो, इसमें डरना कैसा? और तुम्हें तो पहले से अंदेशा हो गया होगा ना? और बताया क्यों नहीं हमें? और टेस्ट करके छुपा के रखने वाली क्या बात है इसमें? बेटा, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारा मम्मी बनने का मन? गुंजन, सीमा, मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस मयंक को पहले बताना चाहती थी, ताकि हम दोनों मिलकर फिर आप सबको बता सके। लेकिन आपने तो इतनी जोर से सबके सामने अनाउंस कर दिया, हमें मौका ही नहीं मिला। ओ, बेटा, हमें माफ कर दो। अब बात ही इतनी बड़ी खुशी की थी, हम खुशी से पगला गए। अच्छा, मतलब सुबह से तुम मेरे पीछे घूम रही थी कुछ बात करने के लिए जरूरी वाले, तो वो ये बात थी? I'm so sorry, गुंजन, मैं को आई। अच्छा, एक बात बताओ। एक मिनट होने वाली दादी जी, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, पर कायदे से तुम्हें हम सबको मिठाई खिलानी चाहिए। हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी, बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत नर्वस भी हूँ। प्लीज, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। गुंजन, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब है ना तुम्हारे साथ। देखना, सब कुछ आसानी से निपट जाएगा। और वैसे भी दादियों की फौज है यहाँ, और मासी भी तो है एक। आप सब मेरे साथ हो, आधी खुशी तो इस बात की है कि परिवार मेरी ताकत है। अगर आप लोगों का साथ हो ना, तो मैं जैसे आज तक हर मुश्किल का सामना करती आई हूँ, वैसे ही करती रहूंगी। वैसे गुंजन, ये जो 9 महीने का सफर है ना, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके जैसा और कोई सफर भी नहीं है बेटा। तुम्हारे अंदर अब एक नया जीवन पल रहा है, पनप रहा है। इसका सब कुछ तुम पर निर्भर है, तुम ही इसे सब कुछ दोगी। तुम समझ रही हो ना तुम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? इसीलिए आज से अपनी दादी नानी की हर बात मानोगे।
ऑफ कोर्स मानूंगी ना। आज अगर स्नेहा होती ना तो सारे घर को अपने सर पर उठा लेती, बहुत धूमधाम मचाती, पागल हो जाती वो। अरे भाई शैल, तुम फिर से शुरू हो गई। ये खुशी का मौका है, रोना धोना हटाओ। वो बिठा गोपाल, तुम जल्दी से जाओ और महंगे लाल से लड्डू लेकर आना। जी भाई साहब। जाओ जाओ जल्दी जाओ। क्या कहती हो मिसेस कर, हमारी जिंदगी इससे हंसी हो ही नहीं सकती थी, स्पेशली मेरी। अब देखो ना, घर पे इतनी सुंदर प्यारी सी बीवी और चारों ओर सुख और चैन, स्पेशली एक छोटा सा नन्ना सा बीवी आने वाला। किनु मायंग, जब मैंने प्रेगनेंसी स्ट्रिप देखा था ना, तब मेरे मन में भी यही ख्याल आया था कि लाइफ फाइनली सेटल हो रही। टचवुड। टचवुड मयंक, सब ठीक ही होगा ना? कहीं कुछ कुछ नहीं होगा, हम दोनों है ना साथ में। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मुझे उल्लू बनाकर कहीं नहीं जा सकते। चक्रव्यूह से किसी ना किसी तरह निकलना ही होगा। पेट दर्द का नाटक मैं कितने दिनों तक और कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी करके इस घर में रहने का कोई परमानेंट टांका फिट करना पड़ेगा, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, ये एक दो कौड़ी की एक्ट्रेस की जिंदगी मैं और नहीं जी सकती। एक दो कौड़ी की एक्ट्रेस की जिंदगी मैं और नहीं जी सकती। मायंक, मैं अपना जरा काम खत्म करके आती हूँ। अरे अरे गुंजन रुको, कहाँ जा रही हो? कहीं पर आराम करो प्लीज। मायंक, मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। और तुम पुराने जमाने की औरतों की तरह बिहेव मत करो। अरे गुंजन, पुराने जमाने की औरतों वाली बात नहीं है। देखो मैं ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम प्लीज रेस्ट करो ना बैठ के। मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहती मायंक, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि जितना एक्टिव रहो ना, डिलीवरी उतनी आसान होती है। ऐसा क्या? हाँ तो ठीक है, जाओ जाके मेरे लिए फ्रेश जूस बना के लो, एक अच्छा वाला, और उसके बाद आके मेरे पांव दबाओ। क्या है ना, तुमने सुबह से मेरी सेवा नहीं की। अच्छा, अरे अभी बता, सेवा के बच्चे, सेवा चाहिए और सेवा। रचना तुम यहाँ? क्या बात है, आज मम्मी धीरे को नींद नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं, हमें भी नहीं आ रही। याद है कुंजन, कैसे छत पे हम दोनों अपने सीक्रेट्स, अपना दुख दर्द शेयर करते थे? हाँ, और लड़ाई करने के लिए भी ऊपर ही आते थे। और एक प्रमाण है, बदमाश। और आज वही इश्क तुम्हें माँ बनाने जा रहा है। ओ गॉड गुंजन, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो। माँ? और अब मैं इस छत पे उस बच्चे के पीछे भाग रही होंगी, उसे डांट रही होंगी। और गुंजन, जब वो तुम्हारी शिकायत करने हमारे पास आएगा ना, तो हम उससे खूब लाड प्यार करेंगे। और खबरदार, अगर हमारे भांजे को जरा भी डांटा तो। अच्छा, और अगर तुम्हारे लाड ने उसे बिगाड़ दिया तो फिर मैं तुम सबको डांटूंगी और हम सब मिलकर तुम्हें डांटेंगे। फिर तो वो बच्चा ये देखकर खुश हो जाएगा। रचना, तुम्हारी जिंदगी कितनी जल्दी आगे बढ़ गई ना। हाँ याद है गुंजन, कुछ दिनों पहले प्रोजेक्टर पर जब वो आदि वाला तमाशा देखा था, हम सब लोग कितना डर गए थे। और चाची जी ने तो बवाल कर दिया था, और आज वही चाची जी खुशी से फूले नहीं समा रही है। अब क्या कहें, इसे शायद अच्छी किस्मत कह सकते हैं या फिर समय का फेर। एनीवे, थैंक गॉड फॉर दैट।
तुम झुको मत प्लीज। तुम लोग सब इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? इट्स ओके, आई एम फाइन। वैसे तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? दवाई के बाद कुछ रिलीफ मिला? हाँ, वो पहले से काफी बेहतर है, लेकिन दवाई का असर खत्म हो जाता है तो फिर से आ जाता है। ओहो, फिर तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे ये क्या है? इस पोस्टर में अगर गुंजन ने मेरी फोटो देख ली तो बिंदिया तू तो गई काम से। ये कुछ नहीं है गुंजन, रद्दी है। हाँ, लेकिन ऐसे ही आप क्रश्ड पड़ा है, देखे तो सही। ये क्या है? गुंजन, I'm sorry, please, ये किसी को ऐसी चीप फिल्म का पोस्टर हमारे घर में कैसे आया? ये देखो, थैंक गॉड इस पोस्टर में मेरी फोटो नहीं। लेकिन मेरी फोटो गई कहाँ? हाँ, ये शायद आज के अखबार में आया होगा। मैं भी यही सोच रही थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए कचरा फेंक दिया। छी, पता नहीं कौन ऐसी फिल्में बनाता है और उसमें किस तरह के लोग काम करते होंगे। एनीवे, तुम जाओ रेस्ट करो। गुंजन, तुम क्यों तकलीफ करोगी, मैं इसे फेंक देती हूँ। ला, बाल बच गए बिंदिया, लेकिन वो मेरे फेस वाला पोस्टर का टुकड़ा गया तो गया कहाँ? गुंजन मैडम, अपने काम से काम रखो। मेरी लाइफ में टांग अड़ाई ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम अपनी प्रेगनेंसी के तमाशे में इतना खो जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या जाल बिछा रही हूँ तुम्हें उस बात का एहसास भी नहीं होगा। इस घर में अगर मैंने अपने लिए परमानेंट जगह नहीं बनाई ना तो मेरा नाम भी बिंदिया नहीं। मौसेरे भाई हैं तो क्या हुआ? आपने मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया, तो अब अपनी बहन की इतनी सी बात भी नहीं मानेंगे? देखिए भैया, भाभी का जो भी, अब उसे भूल जाइए, उन्हें माफ कर दीजिए। आखिर वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या
किसका बच्चा है? छी 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 भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है मैं आजकल जिस घर में रह रही हूँ ना, वहाँ मैंने एक बहुत अच्छा सबक सीखा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो ये चक्कर अफवाह वगैरह ये कोई मायने नहीं रखते। इसलिए अगर आप भी भाभी से सच्चा प्यार करते हैं तो फिर इस बच्चे को अपनाइए और इसे प्यार कीजिए भैया। मेरी इस बात पर सोचिएगा जरूर। ये विद्या क्या कह रही है? भैया प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, आखिर वो आपकी पत्नी है, पत्नी। आपको याद है ना, उनके लिए आपने मौसा और मौसी जी से लड़ाई की थी, और अब जब वो माँ बनने वाली है तो आपका फर्ज बनता है कि आप मौसी जी से उनके हक के लिए लड़े। भैया आप उन्हें छोड़िएगा मत, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप यहाँ आकर इस घर की सास को देखिए, बहुत बड़ा दिल है उनका। उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने एक बार भी अपनी बहू पर बिल्कुल शक नहीं किया। बाय। आंटी जी आप? आपका भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दीजिएगा, वो मैं फोन पर बात करते करते जरा बह गई। मेरे मौसेरे भाई का फोन था, उन्हें कुछ सलाह चाहिए थी। अच्छा। आप लड्डू बनाने जा रही थी ना? हाँ हाँ, वो पर हम मिर्ची सुखाने आ गए, लड्डू शैल दीदी बना रही है। लड्डू मुझे भी बहुत पसंद है, और अब तो मैं आपके हाथ से, नहीं नहीं, होने वाली दादी माँ के हाथों से लड्डू खाऊंगी। तुम्हारे भाई को कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो एक्चुअली, हाँ वो क्या है ना कि मेरी भाभी मेरे भैया को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, और वो प्रेमी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन अब जब भाभी वापस आना चाहती हैं तो भैया को उन्हें अपना लेना चाहिए ना। मेरा मतलब है, एक गलती तो सबको माफ होती है आंटी जी, बट क्या है ना, अब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट हैं और भैया ये रट लगाए बैठे हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। भैया भी ना पागल हैं, कोई अपनी बीवी पर ऐसे शक करता है भला? आप ही बताइए आंटी जी। कहीं मेरे गाल पे या कहीं लिपस्टिक का कोई निशान तो नहीं है? आपकी महान चरित्र वाली बहू ने जैसे एक चरित्रहीन लड़के के साथ एक रात गुजारी, तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ।